दादरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक भाटी चोटीवाला ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ ग्रेटर नोएडा के विभिन्न सेक्टरों व गांवों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने काफी उत्साह दिखाई दिया, तो वहीं दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि क्षेत्र की जनता बसपा सपा व भाजपा के शासनकाल से उब चुकी है, लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सभी का समर्थन उन्हें मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा से राजेश गौतम की रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी दादरी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से दीपक चोटीवाला जी से। दीपक जी, ये बताइए कि आज आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह का असर देख रहे हैं पार्टी लेवल पर कांग्रेस का, किस तरह का असर है? देखिए, क्षेत्र में क्षेत्र के चाहे नौजवान हों, चाहे हमारे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में किसान हों, चाहे हमारे सेक्टर के रहने वाले लोग हों, छोटे व्यापारी हों, चाहे सोसाइटियों में रहने वाले हमारे यहाँ लोग हों, सभी में बहुत अच्छा रुझान है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 5 साल के लिए बसपा, 5 साल के लिए समाजवादी पार्टी और 5 साल के लिए भाजपा, तीनों का शासन पिछले 15 सालों में सभी लोगों ने देखा है। और सभी लोग इस हद तक इन लोगों से उब गए हैं, इन लोगों की चालाकी मक्कारी से इतना ज़्यादा ये लोग वाकिफ हो गए हैं कि अब इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो क्षेत्र का आम मतदाता है वो तैयार बैठा है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे भारी जनसमर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं बहनों और नौजवानों का प्यार मिल रहा है, तो यही मेरी उपलब्धि है और अच्छा चुनाव प्रचार। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप क्षेत्र में ऐसा क्या चीज़ है जो अधूरी है जो आप करना चाहेंगे उसे? देखिए, क्षेत्र में पिछले 15 से 20 साल में कुछ नहीं हुआ है, बताने के लिए तीनों जो राजनीतिक दल हैं कांग्रेस के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। मैं जीरो से शुरू करूंगा। 2008 में जिस तरीके से गलत भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यहाँ ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया और किसान आज भी प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं, हर 3 महीने के बाद आज भी वहाँ बड़ा आंदोलन किया जाता है, हर 6 गांव के बाद किसान कहीं ना कहीं धरने पे, कहीं ना कहीं अनशन पे बैठे रहते हैं, आज भी NTPC का धरना तहसील परिसर में चल रहा है, तमाम तरह की तकलीफें हैं। और इसके अलावा किसानों की जो समस्याएँ हैं उनसे इधर बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो हमारे फ्लैटों में रहने वाले बायर्स हैं, जो स्थानीय किसान हैं, उनके बच्चों को बड़े बड़े स्कूल तो यहाँ खुल गए हैं लेकिन रियायती दर पर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इन सब की समुचित व्यवस्था, अभी मैंने आज पुलिसरा और सूरजपुर का दौरा किया, 4-4 फीट के गड्ढे हैं, 2 दिन की बारिश ने बुरा हाल कर दिया है, निकलना मुश्किल है, प्रचार करने में भी हम लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, चलो हम तो जैसे तैसे मैनेज कर ले रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, कुछ नहीं हुआ पिछले 15 से 20 साल में, बहुत कुछ करना है। आज आपके जो दौरे हैं कहाँ कहाँ आज आप दौरे करने वाले हैं और कहाँ कहाँ करके आ रहे हैं? देखिए, रोजाना हम 8 से 10 गांव का दौरा करते हैं, साथ में शाम के समय हम जो हमारे शहर के निवासी हैं उनसे भी अपील करने के लिए हम लोग निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो हमारे प्रचार की वजह से, तो हम अभी 8 गांव का दौरा करके आए हैं और अब 2-3 सेक्टर में हम लोगों से अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें, कांग्रेस को अपना समर्थन दें। ओके, थैंक्स।